कमल सुन लो यार, नमस्कार। इस वक्त की खबर जो है ये पानीपत सेक्टर 11-12 के SDVM स्कूल के बाहर से आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 18 दिन से जो है शिक्षकों का धरना चल रहा था। शिक्षकों की मांग थी कि उनकी जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही, और भी कई मांगे थी जिसको लेकर ये शिक्षक पिछले 18 दिन से SDVM स्कूल के बाहर धरना दे रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की खबर है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उनके द्वारा अभी तक जो खबर हमारे पास आई है, जैसा कि इन शिक्षकों ने बताया कि मैनेजमेंट द्वारा जो इनकी डिमांड थी उनको मान लिया गया है और इन्हें अब अंदर बुलाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सभी शिक्षकों को स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा अंदर बुला लिया गया है। तमाम शिक्षक जो है यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं और मैनेजमेंट सामने है। आप लोगों का जो भी मसला था वो आपसी बैठ के वो सॉल्व हो गया है। जो आपकी कुछ बातें थी वो मैनेजमेंट ने मान ली है, जो मैनेजमेंट की कुछ बातें थी वो आपने मान ली हैं। तो इसलिए अभी आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है ऐसा कुछ है भी नहीं है। तो मैनेजमेंट के लोग आपसे बात करेंगे। बच्चों किसी कारण कोई आपस में थोड़ा मतभेद या मनमुटाव हो गया और वो सब दूर हो गया है सबकी सेटिस्फेक्शन से, और अब कोई इशू पेंडिंग नहीं है। और कल से सब टीचर्स आके अपना रेगुलरली स्कूल का काम करेंगे और स्कूल की बढ़ोतरी और उन्नति के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों का जो फीस का इशू था, हो जाएगा। जो आपका एरियर वेरियर का इशू है वो सेटल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है, यू विल गेट है। मगर हमारी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई, काफ़ी फीस पेंडिंग है 40% से ज़्यादा, उसको ज़रा रिकवर करें, एफर्ट करें। आप भी समझते हैं कि भाई फाइनेंस का काम फाइनेंस ही चलता है। ठीक है जी, जो आपका सैलरी का इशू था, जो एरियर्स हैं, वो आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी जल्दी हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट आपको दे देगी। और जो आपका जनवरी से आपको सैलरी पूरी मिल रही है, और जो जिन टीचर्स की 11 टीचर्स की जो सैलरी जनवरी की रह गई है वो बता रहे हैं कि वो आपको 1-2 दिन में इशू कर देंगे। रही बात आपकी जो और कोई छोटी मोटी थी, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारी मेन तो आपकी यही बात थी। टर्मिनेशन लेटर जो आपके हैं वो अपने वापस हो गए हैं, मैनेजमेंट ने वापस ले लिए हैं। हाँ जी, जॉब सिक्योरिटी में ना आपको पहले कभी दिक्कत आई है ना आगे कभी दिक्कत आएगी। आप भी 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, ना पहले आपको कभी दिक्कत आई है ना आगे कभी दिक्कत आएगी। क्या कुछ डिमांड्स हैं जो टीचर्स ने आपके सामने रखी थी भैया? जो उनकी कुछ टर्मिनेशन का था वो उनका सॉल्व कर दिया इशू बस। सर जो थी मांगी सारी मान ली गई आपकी तरफ, भैया आपको बता दिया जो टर्मिनेशन। सर क्या कुछ मांग रखी थी सर, क्या कुछ वो बता रहे हैं, बड़े बाकी सारे इशू सेटल हो गए जी, सब जो सैलरी को वैलरी को लेकर। इतने दिनों का विवाद ये चल रहा था, क्या मानते हैं कहां मैनेजमेंट की तरफ से गलती थी, कहां किसी की गलती? किसी की गलती नहीं थी जी, किसी की गलती नहीं। तो फिर ये टीचर को बैठे सर आज हो जाता है कई बार, टीचरों का भी डर बना हुआ जाए, कह रहे कि हमारी गारंटी किसकी रहेगी? जॉब सिक्योर उनकी रहेगी, कितने टर्मिनेट हो गए या बीच में इतने साल की हिस्ट्री है स्कूल की, कभी कोई आपने देखा डिस्प्यूट हुआ? ये भी कोई लोगों के
गलत उकसाने से ये कारण हो गया बस। धन्यवाद। जब सारा विवाद खत्म है आप जॉब की गारंटी भी ले रहे हैं सर? तो टीचर्स हैं उनसे भी। बातचीत करेंगे टीचरों का। जो विवाद पिछले लंबे समय से SDVM में चल रहा था उसको मैनेजमेंट द्वारा अब जो है मान लिया गया है। जो टीचर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सहमति जो है मैनेजमेंट के द्वारा इनके बीच बनी है। जो पूरे टीचर्स हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत अभी चल रही है। हम तो आए हैं, हम तो आए ही हैं। कर लूँगा नहीं सर, इस तो एसडीएल में कन्वर्ट ना करें ना करेंगे। सर क्या कुछ बातचीत हुई आज? सर बस हो गई जो आपके सामने मैनेजमेंट ने सारा बता दिया है। क्या कुछ रहा सर पिछले 18 दिन से, आज 19वां दिन हो चुका आपको, क्या कुछ बातचीत हुई सर? बातचीत जो हमने कहा था तो उन्होंने आपके सामने सभी को बता ही दिया है और ठीक है, जो डिमांड्स वगैरह थी हो गई। जितनी भी डिमांड थी सभी मान ली गई हैं? हाँ, जो थी मेन वो हो गई हैं, बाकी बाद में बैठ के जो है उनको। आप लौट रहे हो? हाँ जी। तो देख सकते हैं शिक्षकों का कहना है कि कल से जो है वो दोबारा सर स्कूल में लौट रहे हैं। जो उनकी मांग थी उनसे फिर जो है सहमति कहीं ना कहीं आज बनी है। मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे पिछले जो 18 दिन से, आज 19वां दिन आपका जो ये धरना हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बातचीत हुई? नहीं, अब आपस में दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, सहमति हो गई है, तो हम भी काम करने को तैयार हैं। सर जो जितनी भी आपकी मांग थी सभी मान ली गई हैं? देखो एक चीज़, हम भी बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान थे, हमारी मैनेजमेंट भी परेशान थी, मांगे हमारी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी है हम लोग आपस में सहमत हैं। देख सकते हैं कि जो मांग थी वो कहीं ना कहीं अब जो उन पर सहमति मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई है और शिक्षक जो है ये कल से दोबारा स्कूल में लौटेंगे, क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर हो रही थी और इसी के चलते जो ये धरना था पिछले 18 दिन से मैनेजमेंट के खिलाफ ये यहाँ पर चल रहा था और अब देख सकते हैं कि आज मैनेजमेंट द्वारा इनकी जो डिमांड्स थी उनको मान लिया गया है और अब शिक्षकों का कहना है कि वो कल से फिर जो है स्कूल में लौटेंगी। देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो ये धरना पिछले 18 दिन से आज 19वां दिन इस धरने को होता है, लगातार शिक्षक जो है मांग कर रहे थे। मैडम क्या कुछ है कहना चाहेंगे, आज जो है 19वां दिन हो चुका है इसको? शिक्षक जो है कहीं ना कहीं विचार विमर्श यहां पर जरूर कर रहे हैं। सर क्या कुछ बातचीत हुई और क्या मैनेजमेंट ने आपकी डिमांड? मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुई है, गजेंद्र सलूजा जी जो है उन्होंने बीच में मतलब भूमिका अदा की है अच्छी, और उन्होंने कुछ टीचरों की तरफ, कुछ टीचर नरम हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट नरम हुई है, तो बीच का रास्ता जो है वो निकला है। जो जितनी भी जो आपकी डिमांड्स थी सभी पे सहमति बनी? नहीं, कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो अंडर टेबल बैठ के अपने स्कूल में बैठ के बाद में भी सुलझा ली जाएंगी। जो मेन सैलरी की जो डिमांड थी और जो टर्मिनेशन की थी वो उन्होंने, जो 11 टीचर टर्मिनेट किए थे वो उन्होंने वापस कर दिया सब कुछ, और उनकी तनख्वाह भी उन्होंने बोला भी एक दो दिन में उनकी सैलरी जो हम डाल देंगे, और जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो एरियर है वो हम 2-4 किस्तों में जो है मतलब वो सबके अकाउंट में डाल देंगे। तो अब कल से आप दोबारा लौट रहे हो स्कूल में? हाँ बिल्कुल लौटेंगे स्कूल में, क्योंकि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है, पेपर ने दी के, और हम चाहते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए टीचर भी कुछ नरम हुए और कुछ मैनेजमेंट भी नरम हुई है। आपको क्या क्या आश्वासन मिला है पूरे सारे मामले में? हमें आश्वासन यही मिला है कि भाई आप लोगों के जो 11 बंदे टर्मिनेट किए थे जो टीचर्स, उनको उन्होंने वापस ले लिया और वो कल से ड्यूटी पे आएंगे, और उनकी जो सैलरी जनवरी की नहीं डाली थी वो भी उन्होंने कहा भी एक ये कल या परसों तक वो डाल देंगे, और जो अप्रैल से लेके जो दिसंबर तक की हमारा एरियर जो बचा हुआ है तो उसको इन्होंने कहा भी 3-4 महीनों में जो हम किस्तों में जो आपके अकाउंट में सबका जो है वो डलवा देंगे। सैलरी है वो इनके अकाउंट्स में डाल दी गई है, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से शिक्षकों को कहा गया है। देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं रणनीति
जो है उस पर विचार विमर्श इन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं कि SDVM का जो मुद्दा है पिछले 18 दिन से जो है यहाँ पर चल रहा था। जो शिक्षक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग थी कि जो उनकी सैलरी है वो दी जाए, क्योंकि टीचरों का जैसा कि कहना था कि पिछले कई महीने से जो है इनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी, जिसका ये विरोध कर रहे थे और लगातार ये धरने पर बैठे थे। और भी कई इनकी जो मांग थी जिनको लेकर के ये शिक्षक पिछले 18 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, और आज जो है मैनेजमेंट द्वारा इनकी जो डिमांड्स थी, जो इनकी मांग थी, उनको मान लिया गया है और आज से जो है ये धरना जो है अब ये कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। और कल से जो ये शिक्षक है फिर से दोबारा जो है स्कूल में लौटेंगे, क्योंकि जैसा कि इन शिक्षकों का कहना है कि धरने के चलते जो है जो छात्र हैं उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा जो है प्रभावित हो रही थी, और आज जो है मैनेजमेंट द्वारा इन्हें बुलाया गया है, जिसके बाद फैसला लिया गया है और जो इनकी जो मांग थी उनको कहीं ना कहीं पूरा कर दिया गया है। देख सकते हैं कि अब जो शिक्षा का तमाम शिक्षक जो है स्कूल के अंदर पहुँचे हैं, मैनेजमेंट से जो है इनकी जो है बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं खुश ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि पिछले 18 दिन से मैडम धरना चल रहा था। क्या कुछ कहना चाहिए? खुशी है कि हमारी बातें मान ली गई हैं और आगे हम कल से अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। लगता है पिछले 18 दिन से जो बच्चे जो पढ़ रहे थे उनकी कहीं ना कहीं जो शिक्षा थी वो प्रभावित हुई है? जी बिल्कुल प्रभावित थी, और हमने अश्योरेंस दिया है कि हम अपनी पूरी मेहनत के साथ उनकी रिकवरी करेंगे सिलेबस के। तो आप कल से आ रहे हो? जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं लगातार शिक्षक है जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो 18 दिन से जो इनका धरना चल रहा था उसको लेकर अब जो राहत नहीं मिली है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी जो मांग थी उनको अब मैनेजमेंट द्वारा मान लिया गया है। मैम क्या बातचीत हुई, कुछ क्या कहना चाहेंगे? पिछले 18 दिन से धरना चल रहा था, बातचीत हुई है रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट से, तो उन्होंने एश्योर किया है कि हमारी सारी मांगे मान लेंगे, सारी की सारी मांगे मान लेंगे। मान ली है, कुछ मान ली हैं, कुछ आगे मानेंगे, सारी की सारी मानेंगे। धरना एरियर खत्म कर रहे हो आप लोग? सैलरी की तो मान ही ली है, और जो हमारी कुछ और थी वो भी वो धरना आज से खत्म कर दिया गया। अभी थोड़ा सा विचाराधीन है, वैसे कर दिया गया, थोड़ा सा भी विचार करेंगे। स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं सभी टीचर? अभी ये धरने के विचार कर रहे हैं ना इसी के ऊपर। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो विचार विमर्श जरूर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 18 दिन से जो है आज 19वां दिन इस धरने को हो चुका था। लगातार जो शिक्षक थे वो अपनी जो डिमांड्स है उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और आज मैनेजमेंट्स की ओर से जो है इनको अंदर बुलाया गया है। इनका जैसा कि कहना है कि जो इनकी डिमांड्स थी उन पर जो है अब मैनेजमेंट जो है सहमति उन द्वारा मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई है, और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं शिक्षक जो है वो उनके चेहरे पर जो है कुछ खुशी जरूर दिख रही है, क्योंकि पिछले 18 दिन से जो प्रदर्शन ये कर रहे थे उसको लेकर लगातार सर क्या बातचीत हुई, सर क्या कुछ बताया? अभी आपकी मैनेजमेंट से बात हुई है, अभी वही बात है जी, और क्या है, समाधान हो चुका है, जो मसला था जो डिमांड थी उन्होंने बोल दिया है कि वो कर देंगे पूरी, अभी धरना ख़त्म है जी। धरना ख़त्म कर दिया गया है? हाँ ख़त्म कर दिया गया, और एक परिवार है, अब परिवार सुबह स्कूल में आएंगे और अपना काम करेंगे। तो सकते हैं कि जो धरना है जैसा कि शिक्षकों का कहना है कि वो आज से समाप्त कर दिया गया है, और कल से ये फिर से स्कूल में लौटेंगे, क्योंकि लगातार धरना चल रहा था और इनकी मांग थी कि जो इनकी डिमांड थी अब कहीं ना कहीं राहत इन शिक्षकों को ज़रूर मिली है। इनका कहना है कि आज से धरना समाप्त कर दिया गया है और अब ये कल से स्कूल में लौट रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि पानीपत सेक्टर 11-12 के SDVM स्कूल के जो शिक्षक है वो पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर आज स्कूल मैनेजमेंट द्वारा इन्हें बुलाया गया है, और जो भी इनकी डिमांड्स थी उन पर सहमति बनी है, जिसके बाद से आज ये धरना जो है टीचरों द्वारा समाप्त कर दिया गया है।